साहिब यानी सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली। इसे सिख तीर्थों की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरे हैं। इन्हीं हिमनदों का बर्फीला पानी जिस जलकुंड का निर्माण करता है उसे ही हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बरसों तक महाकाल की आराधना की थी। यही वजह है कि सिख समुदाय की इस तीर्थ में अगाध श्रद्धा है और वे तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ पहुँचते हैं और हर साल श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। सिखों के दसवें गुरु और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जीवन में ध्यान की साधना की थी और वर्तमान जीवन लिया था। इस जगह को यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा भी पवित्र विस्मय और श्रद्धा का स्थान माना जाता है। श्री हेमकुंड साहिब अपनी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। गुरुद्वारे के पास ही एक सरोवर है। इस पवित्र जगह को अमृत सरोवर अर्थात अमृत का तालाब कहा जाता है। ये सरोवर लगभग 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा है। चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा है। इन चोटियों का रंग वायुमंडलीय स्थितियों के अनुसार अपने आप बदल जाता है। इसके अलावा दसम ग्रंथ में ये कहा गया है कि जब पांडु हेमकुंड पहाड़ पर गहरे ध्यान में थे तो भगवान ने उन्हें सिख गुरु गोविंद सिंह के रूप में यहाँ पर जन्म लेने का आदेश दिया था। पंडित तारा सिंह नरोत्तम जो 19वीं सदी के निर्मला विद्वान थे, हेमकुंड की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने वाले वे पहले सिख थे। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि सिख गुरुओं के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का तपो स्थान जो पूर्व जन्म में श्री हेमकुंड साहब के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड के घांगरिया गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ के रास्ते से तीर्थ है, जिसके किवाड़ मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी जी और मोदी जी के प्रयासों से रोपवे भी शुरू हो रहा है। आज उसके द्वार खुले हैं। हेमकुंड पर्वत जहाँ पे 7 पर्वतों के बीच में एक सरोवर बहता है और बगल में ही एक लक्ष्मण मंदिर भी है। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने वहाँ पे तपस्या की थी, वहाँ पे ये गुरुद्वारा स्थित है जहाँ पे अपने पूर्व जन्म में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने हाथों से लिखा है कि मैंने वहाँ पे तपस्या की थी। उसकी बहुत बहुत बधाई सभी उत्तराखंड को, और भारतवर्ष ही नहीं विदेशों से भी लोग वहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। जहाँ बद्री विशाल जी के दर्शन को जाते हैं तो लोग वहाँ पे भी हेमकुंड साहब के दर्शन करके आते हैं। आज उसके द्वार खुले हैं, लोगों के दर्शनार्थ के लिए वो गुरुद्वारा खुला है। पूरे समूह गुरु नानक नाम लेवा संतों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।